हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ पोर्टल के बारे में, जो एक बड़ा अपडेट है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ईपीएफओ ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें अभी आप एम्प्लॉयर पोर्टल पर अगर लॉगिन करते हैं, यानी कि आपकी कंपनी अगर पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करती है, तो जैसे हमें यूएन में लॉगिन करने के लिए ओटीपी डालना होता है, ऐसे ही कंपनी को भी लॉगिन करने के लिए ओटीपी डालना होता है। और वो ओटीपी जो कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर अपडेट किया हुआ है, उस पर वो ओटीपी जाता है, जिसकी वजह से काफी जो कंपनी वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। और सभी ने इसकी शिकायत भी की थी ईपीएफओ को कि ये अपडेट अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें दिन में 50 बार लॉगिन करना पड़ता है और 50 बार हमें ओटीपी डालना पड़ता है। एक टीम में एक से ज्यादा लोग भी हैं जो एक साथ लॉगिन करते हैं, तो ओटीपी डालने में हमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसको हटा दिया जाए। अभी ईपीएफओ ने इस पे क्या डिसीजन लिया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या ओटीपी से लॉगिन करने वाला जो ऑप्शन है उसको हटा दिया है, क्या वो परमानेंटली हटाया गया है या टेम्परेरी हटाया गया है? अगर वो परमानेंट हटा दिया है तो ठीक है, अगर वो टेम्परेरी हटाया गया है तो कितने टाइम के लिए हटाया गया है और क्यों हटाया गया है? सबसे मेन रीजन है कि अगर टेम्परेरी पर्पज से उसको हटाया गया है तो किस लिए हटाया गया है और कब तक के लिए हटाया गया है, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं एम्प्लॉयर पोर्टल पर, जहां पर हम कंपनी का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, जैसे हम अपना यूएन और पासवर्ड डालते हैं, ऐसे ही कंपनी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। वो डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद, जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पे ओटीपी मांगता था, अभी देखते हैं कि यहाँ पर ओटीपी मांगेगा या नहीं मांगेगा। तो जैसे ही हमने साइन इन पे क्लिक किया, यहाँ पर हमसे ओटीपी नहीं मांगा है, तो इसका मतलब जो ओटीपी वाला फंडा है उसको ईपीएफओ ने हटा दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या इसको टेम्परेरी हटाया है या परमानेंट हटाया गया है? इसका आंसर आपको जब आप कंपनी लॉगिन करेगी अपने लॉगिन के अंदर, तो उसको वहां पे इसका आंसर मिल जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे न्यू अपडेट का एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है, डियर एम्प्लॉयर्स, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ओटीपी बेस्ड सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन एम्प्लॉयर लॉगिन हैज बीन टेम्परेरली रिलैक्स्ड टू इनेबल एम्प्लॉयर्स टू अपडेट देयर मोबाइल नंबर। यानी कि उसको टेम्परेरी बेस पे हटाया गया है, यानी कि कुछ टाइम के लिए हटाया गया है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दोबारा से ओटीपी सिस्टम आएगा, इसको बस कुछ टाइम के लिए हटाया गया है। फिर कुछ टाइम के लिए क्यों हटाया है? क्योंकि काफी लोगों ने शिकायत की थी कि जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो हमारे पोर्टल पे डाला हुआ है, वो एक्टिव नहीं है, या वो नंबर बंद हो चुका है, वो नंबर गलत है, तो हम लॉग इन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने पहले ऑप्शन दिया था कि आप लेटर देके मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग था। आप लेटर बनाते हैं, ईपीएफओ में सबमिट करते हैं, ईपीएफओ उसमें आपका नंबर एक्टिवेट करने में टाइम लगा रहा था। इसके लिए क्या किया ईपीएफओ ने, इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया कि आप सिंपली लॉगिन करो, लॉगिन करके आप अपनी कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आप अपडेट करो। After logging into employer portal for seamless and secure access once the feature is redeployed, यानी कि ये फीचर दोबारा से redeployed किया जाएगा, दोबारा से लागू किया जाएगा। तो ये जो relaxation है friends, कुछ time के लिए है, ये पहला answer। दूसरा, अभी के लिए ये हटा दिया गया है। तीसरा, आप जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, अपने मैनेजर का, सीनियर मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का, जिससे आपको डायरेक्ट ओटीपी मिल सके, आसानी से ओटीपी मिल सके, उसका मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी आप अपडेट करेंगे, उसी पे ईपीएफओ का फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन आएगा, जो भी नोटिस आएगा, वो ओनली उसी नंबर पे, उसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो मेन पर्पज है वो यही था कि जो ओटीपी से लॉगिन करने वाला फंडा है एम्प्लॉयर का, कंपनी का, वो कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया है, वो दोबारा से आएगा, लेकिन तब तक के लिए अगर आपका मोबाइल नंबर गलत अपडेटेड था, उसको आप करेक्टली अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।